टीम अप आओ जाओ टीम अप कौन बोल टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप। तो जैसा कि आप लोग ने ऑल पे क्या ही बकचोदी चल रही थी तो आप लोग ने देख लिया होगा, और टीम अप होता है इसमें तो बैटल कॉइन में, तो खैर उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। और हम उतर गए मतलब प्लेन पाथ से थोड़ा सा दूर, और पहले हम लूट करेंगे और आप लोग को भी करना है क्योंकि काफ़ी नए लोग हैं जिसको मतलब यूसी चाहिए और वो बैटल कॉइन में मतलब बैटल कॉइन कमाने आते हैं जिससे उनको यूसी मिल जाए और वो रॉयल पास ले ले। तो मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे 10 इलाइट पास का गिव अवे चल रहा है। तो क्या क्या रूल है उसको मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एक, और वीडियो को एक लाइक कर देना होगा, और मन करे तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ऐसे कोई कुछ इसमें है नहीं। और जितना हो सके शेयर करो, जितना आप शेयर करोगे वीडियो को उतना आपका चांस ज़्यादा होगा कि आप इलाइट पास जीत सको सीजन 16 का। तो खैर अब चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे थोड़ा लूट करने, जिससे मतलब मुझे उस जहाँ पे मैं उतरा था वहाँ पे मुझे शॉट गन ही बस मिला है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लूट करता हूँ पहले और हील इकट्ठा करता हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको अगर पॉइंट चाहिए तो आप जोन से दूर उतर के 2-3 जोन 4 जोन तक आप हील मतलब कर सकते हो, मतलब अपने शरीर पर प्लास्तरा चढ़ा सकते हो। तो खैर यहाँ पे मुझे उतना खास कुछ लूट नहीं मिला और हेल्थ वगैरह मिला नहीं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे आता हूँ तो मैं पहले अपनी व्हीकल को चारों तरफ घुमा लेता हूँ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखना कि आप कहीं भी जाओ तो पहले अपने आसपास देख लो कि आपके पास टीम मतलब टीम बैठी है कि नहीं, क्योंकि सोलो में अधिकतर ये होता है कि आप जहाँ नहीं सोचोगे ना वहाँ पे मतलब बंदे होते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लूट करता हूँ, और मैं पहले यहाँ पे रेडी नहीं था कि मैं यहाँ पे अपने शरीर पे पट्टी लगाते रहूँगा और हील करते रहूँगा। तो यहाँ से मैं निकलने वाला था लेकिन तभी मुझे कुछ मिल गया मतलब पट्टी वगैरह लगाने को, तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी दूर जाना था जोन पे, और मैं यहाँ पे काफ़ी देर सर्वाइव भी किया था। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ इजीली, और किल की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किल आपको लास्ट में आराम से मिल जाएगा। तो पहले तो आप अपना पोजीशन होल्ड करो, मतलब आप जितने पास जाओगे रैंक पे मतलब 2, 3, 4 तो आपका फ़ायदा, वरना ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप पहले तो पोजीशन होल्ड करो, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि अगर मैं थोड़ा भी अगर आगे गया कोई तो मुझे आराम से कोई हम लोग भेज देगा, गाड़ी चलती गाड़ी से उतार देगा। तभी मेरा ध्यान पीछे जाता है कि पीछे तो यार घर है, तो क्या पता कोई मार दे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और उसके बाद मैं अपने मार्क पे जा रहा था कि मुझे कहाँ होल्ड करना, तभी मेरे को एक ड्रॉप दिखता है तो मैं ड्रॉप के पीछे आ जाता हूँ। तो यहाँ से मैं जा ही रहा था तभी ड्रॉप पे एक व्हीकल दिख जाता है कि जो ड्रॉप लूटने जा रहा था। तो मैं अपनी गाड़ी को यहीं पे रोक लेता हूँ और सोचता हूँ यहाँ से कुछ स्प्रे लेने का। तो यहाँ से भाई सब कुछ भी नहीं दिख रहा था, उसका बस एक हेड वेड दिख रहा था, तो उसको एक हेड और 2 बॉडी पड़ा। और उसके बाद पता नहीं कोई साइड से VSS चला रहा था, तो मैं यहाँ पे कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि अभी 33 बंदे अलाइव थे। तो उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, और सॉरी भाई मतलब गली में पूजा हो रहा है, मूर्ति बैठा है तो नॉइज़ आ सकता है। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस स्क्वाड हाउस में। तो इस स्क्वाड हाउस में आने का बस एक ही मकसद था, और कुछ हील भी चाहिए था, और मुझे पता था यहाँ पे जोन तो बनने वाला नहीं है क्योंकि मैं इसी का वेट कर रहा था कि कहीं जोन बने तो मैं निकलूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मुझे कुछ जूस वगैरह मिल जाता है, जैसे माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। तो यहाँ से बस लूट ही रहा था तभी साइड से गन साउंड आता है और मैं निकल जाता हूँ स्क्वाड हाउस के छत पे। अब यहाँ पे पता नहीं क्या ही सीन चल रहा था, मैं इतना बड़ा नूब देख रहा हूँ, मतलब एक छत पे नहीं चढ़ पा रहा हूँ। तो खैर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ गए। अब काफ़ी देर से आगे के साइड से गन साउंड आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर एक आध किल निकल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं पहले पीछे देखता हूँ कि हाँ भाई कोई पीछे से ना मार दे। तो पहले तो मैं एक स्मोक करने की सोचता हूँ, और ये देखो स्मोक गलती स्मोक कर दिया, वो टकरा के नीचे चला गया। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ पूरा कुक कर लेता हूँ ताकि यहीं पे मतलब रहे, वरना फेंकूँगा तो नीचे चला जाएगा।
तो इस मौके ऐसा हो गया था कि मुझे खुद ही नहीं दिख रहा था आगे, तो उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, और मैं थोड़ा साइड आता हूँ ताकि कोई दिखे और जिसको मैं हम लोग भेज दूँ आराम से। लेकिन भाई साहब यहाँ पे भी कट गया, मतलब क्या ही चूतियापा हो रहा था मेरे साथ किली के लिए। तो यहाँ पे कोई दिखता नहीं और स्मोक दिख रहा था, और तभी मैं अपना इस मतलब स्कोप बंद करके मैं जाता हूँ थोड़ा स्मोक के साइड कि कोई मार ना दे। लेकिन तभी इतनी किस्मत ख़राब, तभी यहाँ से वो गाड़ी निकल जाती है और मुझे एकदम क्विकली मतलब शॉट लेना था, जिसके वजह से एम पूरा ही चूक हो गया और वो बंदा बच गया। और भाई साहब इसको मारने में भी काफ़ी दिक्कत होता। तो जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे जोन आ रहा था, तो मेरे को जोन में जाना था। और एक बात ध्यान में रखो कि आप अगर कहीं भी जाओ तो आपको लगे कि वहाँ पे बंदा नहीं है, तब भी आप अपनी सेफ्टी को पहले पूरा देखो और स्मोक ज़रूर कर लो, जैसे कि मैंने अपने गाड़ी पे किया एक स्मोक और एक बाहर किया। अगर वो बंदा अगर ऊपर जो रिच है मतलब पहाड़ है तो वहाँ पे अगर जाके कैम्प कर लेता तो आराम से मुझे भर देता। तो खैर यहाँ से मैं निकलता हूँ पहले। अब यहाँ से निकलने के बाद मैं अपने मार्क पे जा रहा था, लेकिन भाई साहब वहाँ पे क्या ही गंदी फाइट चल रही थी। और कसम से बता रहा हूँ जो बंदा मेरे पे फायर किया था, ये देखो लेफ्ट साइड में आपको दिखा होगा एक बंदा, वो मुझे पहले दिखा ही नहीं। अगर दिख जाता पहले तो उसको मैं मार ही देता या तो गाड़ी से कुचल देता, लेकिन थोड़ी किस्मत भाई साहब इस मैच में मतलब किल निकालना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा हार्ड लो भी आई थी। और मैं इसके पहले भी काफ़ी मैच खेल चुका हूँ जिसमें 7-8 किल तो आराम से मैं निकाल ले रहा था। और मैं सोचता हूँ यहाँ पे पहले इस पर रस कर दूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ यार अभी 25 बंदे हैं, क्या पता अगर मार दिया वो तो फिर एल लग जाएंगे मेरे और मैं ये हम लोग चला जाऊँगा। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस सेक पे। अभी सेक पे आने पे मेरे को लग रहा था कि जोन यहाँ पे एक दो बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ। और भाई साहब 5-6 मिनट होल्ड करने के बाद यहाँ से देखना एक गाड़ी निकलेगी। अब ये गाड़ी जा रही तो मुझे भाई साहब थोड़ा भी एंगल नहीं मिल रहा था कि उस पर मैं शॉट्स लूँ। तो जैसे वो बंदा दिखता है लेकिन वो चला जाता कवर में, तो मैं यहाँ से कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तो खैर उसके बाद फिर से 5 मिनट वेट करने के बाद उस बंदे ने मुझ पर रस किया और देखो क्या सीन किया मैंने। तो भाई साहब बूम क्या ही गजब का जंप शॉट था। तो जिसको भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और यार किल की टेंशन मत लेना क्योंकि किल आपको लास्ट में मिल ही जाते हैं। और इस वीडियो से आप लोग को बैटल कॉइन में सर्वाइव करने के कुछ टिप्स भी मिल गए होंगे। और यहाँ पे जोन था नहीं तो मैं फिन मार्क करता हूँ और जिसको मैंने मारा था तो उस पर स्मोक करके लूट भी लेता हूँ, क्योंकि मुझे ग्रेंड वगैरह की ज़रूरत थी और स्मोक भी ख़त्म था। तो मैं आ जाता हूँ इस सामने वाले जो भी है ये लक्कर का सैक, तो यहाँ पे मैं होल्ड करने आता हूँ। और जैसे मैं इसमें घुसता हूँ तभी देखना यहाँ से एक व्हीकल आती है और जो कि मेरे साइड ही आ रही थी, और फिर मेरा भाई साहब स्कोप अटक गया। तो इसको भी भाई साहब मैंने जंप शॉट दे के आराम से मार दिया। और लेकिन भाई साहब मैं जो गलती की इस मैच में आप मत करना, जो कि किल की लालच है, तो मैं मतलब परेशान हो गया था इस मैच में किल नहीं मिले थे मुझे। तो उसके बाद से यहाँ से एक व्हीकल निकलती है और उस पर मैं शॉट लेने की ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बार फंस गया, यही मेरी गलती थी। वो व्हीकल इतनी फास्ट थी कि भाई साहब मुझे उस पर शॉट लेने में एम ही नहीं मिल रहा था। और उसी के सामने एक पैर पे भी बंदा, जिसको अभी मैं एडिटिंग के टाइम देखा हो, और ये बंदा भाई साहब मुझे आराम से ही भर दिया। और कुछ गलत भी नहीं है कि आपको मतलब टाइम पर खेल रहे हो, क्योंकि इसमें तो भाई रैंक मायने रखता है। और इस बंदे का जो टायर था एस था और 0 मैच दिखा रहा था, समझ में नहीं आया। तो खैर इस बंदे से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस बंदे ने उस पर कंटिन्यू फायर करते रहा, उसको थोड़ा भी मौका नहीं दिया, तो आप भी यही करना, जिसके वजह से उसको आराम से इसने मार दिया। और इसके बाद ये निकल जाता है अपनी व्हीकल को ले कर, क्योंकि इसको जाना था जोन में। और जैसा कि मैं उस गाड़ी पे अगर फायर कर रहा था तो इस सामने वाले पेयर के पास ही बंदा था, तो मुझे सब एडिटिंग का टाइम दिखा, उस वक्त यार नहीं दिखता इतना। तो यहाँ पे इसको एक मार्क आया, तो वो बंदा आ गया था इस सैक के पास जहाँ पहले मैं था। तो इस बंदे ने फिर से वही किया, और यार
ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सामने वाले एनमी से दबाव बना के रखो, लेकिन वो जो सामने वाला एनमी था वो काफ़ी ज़्यादा ढीला था, अगर वो चाहता तो मार सकता था, लेकिन उसने थोड़ा भी एफर्ट नहीं लगाया और इसका फायदा इसको मिला। अब ये देखो आपको इतना ओपन में नहीं आ रहा है, अब जबकि वो कवर में था और ये ओपन में था, तो मैं आपको अपना डेथ कैम दिखा देता हूँ कि कैसे मैं मर रहा था। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। और हाँ, गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए यार जो रूल है वो ज़रूर करना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।